लोगों को अक्सर ये रहता है कि अच्छा अगर हार्ट अटैक है बी पी है सीधा बड़ी बड़ी बीमारियों पर लोगों का फोकस रहता है कि अच्छा कुछ ना कुछ तो मेरी बॉडी में बड़ा तगड़ा मेल फंक्शन हुआ है जिसके कारण मुझे बीमारी हो रही है लोगों के अंदर स्ट्रेस जैसी चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस भी नहीं है यू आर एब्सलूटली राइट पीपल लोग बात क्या करते हैं वो ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं उनको लगता है और बार बार ये छोटी छोटी लेबॉटरीज हैं ये क्या करते हैं इधर से अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं सब मैंने ही करवाया नो no, इफ़ यू उससे क्या होगा दवाई से कुछ टाइम के लिए आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा आपका बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बट इट वॉन्ट सॉल्व द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इसीलिए मैंने पूछा आपसे बताया कि पहले मैं जेनेटिक हिस्ट्री या कोई भी डॉक्टर जेनेटिक हिस्ट्री पूछता है फिर वो ज़रूर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ध्यान देता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है और अगर उसको स्ट्रेस है वी ऑलवेज आजकल तो आपने देखा होगा एंड इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर जैसे योगा है मेडिटेशन है मॉर्निंग वॉक्स है ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है दिस दीज आर ये स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं और स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं जो मैंने बताया था अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो तो कॉटिस लेवल्स हाई रहते हैं ये उनको कम करते हैं

कि uh, अगर आपने बताया हो कि देखो भाई तुम्हें ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि यू आर स्ट्रेस्ड और यू आर अंडर अलॉट प्रेशर और वो मानने के लिए तैयार ना हो ही इज कॉन्टीन्यूसली टेलिंग यू कि नहीं डॉक्टर प्लीज आप कुछ दवाएं लिख दें कुछ ऐसा कर द मोमेंट यू कम आपको स्ट्रेस तो नहीं है तो वो पूरी स्टोरी चालू कर देते <laughs> <laughs> बट दे से मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता हूँ कहीं hmm. जा तो नहीं सकता हूँ यही बॉल बॉस है और नॉट ओनली दैट सपोज इट्स अ कपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा हसबैंड वाइफ एक दूसरे के बॉल खींचते रहते हैं मेजर स्ट्रेस ना दे कान सेपरेट आउट सो देव टू लिव विद सो इम्पॉर्टेंट इज यू नो काउंसलिंग टेकिंग डॉक्टर्स हेल्प टेकिंग साइकेट्रिस्ट हेल्प जो कि हमारी कंट्री में न एक टैबू समझा जाता है जहाँ आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ as if you have done some crime hmm. these things are very important so acceptance ka they will come out and say yes this is a problem and then you have to treat that problem and but uh, as you have said i would say the problem is that they don't go for treatment of this yes they would say okay i'll avoid this they don't know that a counseling naam ki cheese hoti hai jisse bahut farak बिकॉज hmm. वो आपको कुछ नहीं दे विल जस्ट टेल यू कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए एंड जस्ट बाय टॉकिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं जो कि हम लोग को वी डोंट पे अटेंशन टू